हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये वर्चुअल लैब प्रैक्टिकल्स की सीरीज का लेक्चर है जिसके अंदर हम फ्लाईव्हील मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और इस वीडियो के हम टू पार्ट्स रखेंगे फ्लाईव्हील के। पहले पार्ट में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक्सप्रेशन है उसको ड्राइव करेंगे और फ्लाईव्हील क्या होता है उसको समझाएंगे। जो सेकेंड वीडियो है उसके अंदर हम प्रैक्टिकल करेंगे इसको वर्चुअल लैब में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम देखते हैं। एम क्या है? टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील होता क्या है? फ्लाईव्हील इज इनर्शियल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, इज एब्सॉर्ब मैकेनिकल एनर्जी एंड सर्व एज अ रिजर्वर स्टोरिंग एनर्जी ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द सप्लाई ऑफ द एनर्जी इज मोर देन द रिक्वायरमेंट। रिलीज इट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज मोर देन सप्लाई। द मेन फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील इज टू स्मूथन आउट वेरिएशन द स्पीड ऑफ शार्क causing the torque fluctuation. Many machine have the load pattern that causes the torque to vary over the cycle. Internal combustion engines with one or two cylinder, piston, compressor, punch presses, rocks, etc. are the system that have the flywheels. और flywheel होता किस तरीके का है? कि सर होता है, heavy होता है, mass इसका capital M होता है और दोनों side से ये fixed होता है, ठीक है, और ये रोटेट कर सकता है फ्रीली, जिसको हम बेयरिंग बोलते हैं, जहाँ पे ये दोनों साइड से फिक्स होता है। कैपिटल आर इस रेडियस होती है जिस रेडियस का ये फ्लाईव्हील होता है। फ्लाईव्हील इज अ मैसिव व्हील फिटेड विद स्ट्रॉन्ग एक्सल प्रोजेक्टिंग ऑन आइदर साइड ऑफ इट। द एक्सल इज माउंटिंग ऑन अ बॉल बेयरिंग ऑफ टू फिक्स सपोर्ट्स एज शोन इन फिगर। फिगर में पीछे दिखा चुकी हूँ, एक फिगर यहाँ पे भी दिखा देते हैं। चलिए इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम में क्या है, ये दोनों साइड वॉल पे ये अटैच्ड है, फिक्स्ड है, बट ये इस तरीके से फिक्स्ड है कि ये इजीली मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है। इसको पैक कहते हैं और ये हमारी इसकी एक्सल है। ये जो व्हील है इसका जो रेडियस है कैपिटल आर है। इस पैक पे जो है थ्रेड बाउंड रहता है और ये जो थ्रेड है ये बाउंड रहता है। इसके जो नीचे है लास्ट में एक एम मास का वेट लगा होता है और ये जो एम मास है ये एच हाइट पे ग्राउंड से रहता है। ये बाउंड इस तरीके से होता है कि एक दूसरे पे ओवरलैप ना करे और ये थ्रेड इस तरीके से होता है कि जब ये जमीन पर टच करे मास तो ये थ्रेड यहाँ से डिटैच हो जाए। क्या है, दोनों एंड से ये फिक्स रहता है और इस तरीके से फिक्स रहता है कि ये फ्रीली मूव कर सके। साथ में हम एक थ्रेड रखते हैं और थ्रेड को इस पे इस तरीके से बाउंड करते हैं कि वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हो और इसको हम पैग बोलते हैं, जिसके ऊपर हम ये थ्रेड को रोटेट करते हैं, बाउंड करते हैं। इस थ्रेड के एंड पे एक मास एम होता है और मास जो कि इसमें क्या है, एक थ्रेड है, थ्रेड भी एक मास एम है और मास एम जो है ग्राउंड से एच हाइट पे होता है। जब हम इस मास को बाउंड करते हैं और फिर फ्रीली छोड़ते हैं तो ये धीरे धीरे मास जो है नीचे की साइड आना स्टार्ट करता है, क्योंकि ये फ्रीली रोटेट करता है जो व्हील है, फ्लाईव्हील है। जैसे ही मास ग्राउंड पे टच करता है ये थ्रेड इतना रखते हैं, इसका हाइट इतना रखते हैं कि ये यहाँ से डिटैच हो जाए, हट जाए। और जब ये डिटैच हो जाएगा तो ये और जो है, जब क्योंकि जैसे जैसे ये धीरे नीचे आ रहा है ये रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है, तो आफ्टर डिटैचमेंट भी ये मूव करता रहेगा, मूव करेगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी और एक टाइम पे आके ये रुक जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर डिटैचमेंट ऑफ द थ्रेड हमें नंबर ऑफ टर्न्स काउंट करने होते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उसको कैपिटल एन बोलते हैं। और ये जो हमने पेग पे जो है थ्रेड रोटेट किया है इसके भी हम नंबर ऑफ टर्न्स जो वाउंड किए हुए हैं उनको नोट करके रखते हैं, उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो फ्लाईव्हील इज अ मैसिव व्हील with a strong axle projecting on either side of it. The axle is mounted ball bearing on two fixed supports as shown in figure. There is some small peg inserted loosely in a hole on axle. One end of the steering is looped on a peg and other end carries a weight hanger. A pointer is arranged close to rim of a flywheel. To do the experiment, the length of the string is adjusted such that when the descending mass touches floor, the peg must detach the axle. Now the line is drawn on the rim with a chalk just below the pointer. The string is then attached to peg and wheel is rotated to known number of times n,
such that a string is wound over and turns on a axle without overlapping. Now the mass m is at height h from the floor. The mass is allowed to descend down. It exerts a torque on the axle of flywheel. Due to a torque, a flywheel rotate with angular acceleration. Let omega be angular velocity of a wheel. Then peg just detach the axle. W, capital W, is a work done against the friction per rotation. Then law by conservation. तो conservation law क्या होगा कि जितनी इसकी potential energy है जब ये rest में था तो mgh होगा. mgh equal किसके होगा जब ये rotate करना start किया तो इसकी rotational energy प्लस ये काइनेटिक एनर्जी और जो वर्क डन इसको करना पड़ रहा है. और ये जो थ्रेड बाउंड हुआ है इसके जो नंबर है वो स्मॉल एन है. कैपिटल एन क्या होगा कि जब ये डिटैच हो जाएगा स्ट्रिंग यहाँ से तो उसके बाद भी ये व्हील रोटेट करता रहेगा और धीरे धीरे कम होगा. तो यहाँ पे हम एक मार्क कर लेते हैं और जब ये रोटेट करता है उस मार्क को गिनते रहते हैं तो वहां से हम कैपिटल एन काउंट करेंगे. ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं. mgh equal to half I omega square plus half mv square, rotational energy plus kinetic energy plus nw, जो work done है, ये equation 1 है. Let capital N be the number of rotation made by the wheel before it stop. Since the kinetic energy of rotation of a flywheel is completely dissipated and when it comes to a rest, we can write nw equal to half I omega square. तो जो capital nw work done है वो किसके बराबर होगा, धीरे धीरे ही रुकेगा इसके rotation के बराबर, high rotational energy के बराबर, half I omega square हो जाएगा. तो w यहाँ से निकल जाएगा, high omega square upon 2m. इस w की value equation 1 में put कर देंगे. तो mgh equal to half I omega square plus half mv square plus n I omega square upon 2m, और ये half I omega square यहाँ पे हम common ले लेंगे. ठीक है, हम इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है moment of inertia का expression calculate करना चाह रहे हैं. ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ से n LCM लेंगे. n LCM लेने के बाद n इधर multiply में चला जाएगा तो 2n mgh 2 भी जाएगा. फिर यहाँ से आ जाएगा n mr omega square. अब ये वाली वैल्यू भी हम इधर लेके चले जाएंगे. ठीक है, 2n mgh minus n mr square omega square equal to I omega square n plus m. यहां से अब हम क्या करेंगे, इसको अब हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है, बस इसको अरेंजमेंट करना है, सिंप्लीफाई करना है और कैपिटल आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ से हमने क्या किया, एन एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया. तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से 2gh अपॉन ओमेगा स्क्वायर बचेगा और सेकेंड टर्म में से माइनस आर स्क्वायर बचेगा इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर एन प्लस एन. यहाँ से आई इक्वल टू आ गया एन एम अपॉन एन प्लस एन 2gh अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. और अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखें तो कैपिटल एन रोटेशंस हैं आफ्टर डिटैच द जो थ्रेड है उसके बाद के, एम मास है जो हमने थ्रेड पे रखा है, स्मॉल एन रोटेशंस हैं जो हमने थ्रेड बाउंड किया है वो जी ग्रेविटी का है, एच हाइट किस हाइट पे हमने रखा था, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है और आर है फ्लाई व्हील का. Where r is the radius of axle. Where r is the radius of axle to determine omega, we know the angular retardation of the uniform after mass get detached from the axle. Then angular average angular velocity क्या होगा, total angular displacement upon time taken. तो average angular velocity पहले omega थी, फिर zero हुई, तो omega plus zero upon two equal to total angular displacement कितना हो रहा है, 2πm अपॉन टी. तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई 4 पाई एन अपॉन टी. यहाँ से आप एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से आप ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे, उस ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे और कैपिटल एन एम और स्मॉल एन हम एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आई आ जाएगा. आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जो कैलकुलेट कर लिया है हमने. अब हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू आए कैलकुलेट करके देखेंगे.
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वर्चुअल लैब में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। एटलीस्ट कुछ चेन बनाइए कि थ्री थ्री की चेन बने, आगे शेयरिंग करते रहिए। और थैंक यू, हैव अ गुड डे।